जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बनाने देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वचन सीखने के लिए हमें मौका दिया। वचन सिखाया जाता है, सीखता है कि नहीं ये मालूम है ना। वचन सिखाया जाता है, कितने लोग सीखता है। यीशु मसीह के साथ में बहुत लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, यहूदी लोग थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह की बातों को लोग नहीं समझते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताते बताते एक बार पूछा, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 43 वचन का सी बात, तुम मेरे बात क्यों नहीं समझते। ये एक बड़ा सवाल है। इधर बैठा हुआ कई लोगों को लगता होगा मैं समझता है, ये बात समझता है तो फिर वो जीवन में आना चाहिए ना। जब जीवन में नहीं आया तो उन्होंने नहीं समझा, ये बात है। मतलब हर एक बात हम प्रभु की उपस्थिति में जो सुनता है, सुनाता है, समझाता है, समझना चाहिए और वो जीवन में आना चाहिए। जब तक जीवन में नहीं आता उसका मतलब उसका अर्थ है वो नहीं समझा, वहां पर उसके आगे उसका कारण लिखा। इसलिए कि तुम मेरी वचन सुन नहीं सकते। हाँ, तुम मेरी वचन सुन नहीं सकते, बल्कि अर्थ तुझे मेरा वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए मन नहीं। तुम सिर्फ मेरे साथ चलते हैं परंतु उसको सुन करके मानने के लिए तेरा मन नहीं, इसलिए तू नहीं समझता। देखो, हम प्रभु के उपस्थिति में जब आता है प्रभु का वचन समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए मालूम है, उसका 7 अध्याय योहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन, जो प्रभु की इच्छा पर, मतलब आज जो प्रभु मुझे कहेगा मैं उसकी बात को मानने के लिए तैयार है। भैया बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग बहुत लोग सिर्फ थोड़ा ज्ञान पाने के लिए है ना प्रभु को बस्ती में आता है, वजन सीखता है। भैया आप प्रभु के दृष्टि से बहुत दूर है। हमें प्रभु का वजन को सही प्रकार समझना चाहिए, इसलिए नहीं समझ में आता कि हमें प्रभु का सच्चाई मालूम होगा तो भी मानने के लिए दिल नहीं है। देखा इसका मतलब, आज कितनी लोग इतना अच्छा गहरा स्टडी अमर चलता है, मैं बोलता है एक एक बात जो बोलता है बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। समझ ही गया करके उनको लगता है लेकिन उनके जीवन में नहीं दिखता, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब लोग जो भी बात यहां पर बताया जाता है वो बात को ध्यान से सुन करके अमल करने के लिए उनका दिल में निर्णय नहीं है ना। आपको मालूम जब मतलब यीशु मसीह ने कहा दिया हुआ एक अच्छा गवाही है मत्ती 11 अध्याय का 25 वचन में, मालूम ये बात प्रभु किसको प्रकट करता मालूम है। कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी हो और समझदारों से छिपा रखा। किसे छिपा रखा? ज्ञानी और समझदारों। हाँ, इन सारे घमंडियों से छिपा रखता। मतलब मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है, अभी मुझे कोई इतना बड़ा उपदेश की जरूरत नहीं। ऐसा समझने वाला जो है उनको प्रभु ये बात का समझ नहीं देगा। प्रभु ने किसको प्रकट किया? बालकों को, जो एक नम्र दिल का है। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मुझे आपकी आलोचना चाहिए। प्रभु जो अपने आप को छोटा मान करके नम्र दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आता है उनको प्रभु उसका प्रकाश देता है, ये बहुत बड़ी बात है। मान लो क्या है कि
हम लोग एक एक बात जो भी प्रभु की उपस्थिति में बताता है प्रियो, ये हमारे जीवन में करने के लिए बताता है और अनंत काल का वो लाभ है उसमें, है ना। एक प्रकार लोग उन लोग नहीं समझ सकता जैसा हम पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 14 वचन में पढ़ता है, वो तो उनका नया जन्म नहीं हुआ। वो लोगों के बारे में क्या लिखा, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, न वह उन्हें जान सकता है, ना उन्हें जान सकता क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मतलब जो लोग नया जन्म नहीं पाया वो लोग नहीं समझ सकता, वो बात अलग है, और जो नया जन्म पाया वो लोग समझना चाहिए ना, वो लोग समझना चाहिए। आज हम जितना भी प्रभु का वचन जब रोज हम सुनता है वो हमारा समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में नहीं आता है तो व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उसको अपनाएगा, है ना प्रियो। हर प्रकार ये वचन तो इतनी गहराई में, मतलब इतना गहरा स्टडी होता है, मैं सोचता है कि हर एक दिन इतना, मतलब एक एक बात को इतना खोल खोल करके समझा रहा हूँ, लेकिन उसके अनुसार लोगों के जीवन में उसका बदलाव नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि ये वचन क्यों दिया प्रभु ने, है जब दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय है उसका 16-17 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, सिद्ध बने। ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हरेक पवित्र लोग रोज सिखाए जाने वाले भजन को उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, समझना चाहिए। इसका मतलब ये जो वचन सुनता है ना, वचन सुनने के बाद में आप जा करके घर में जाके फिर वचन पढ़ना, क्या करना, वचन जो सुनता है यहाँ पर और जो नोट कर सकता है वो पॉइंट वाला नोट करके फिर घर में जा करके वचन पढ़ना। वचन पढ़ने के बाद में फिर क्या करना, ध्यान करना है, रेमंद करना। अभी ये इतना सुंदर वचन ध्यान करने के बाद में उसमें मैंने क्या बात समझा, वो बात को अलग नोट करना, इसके बाद में वो जीवन में लाना। इतना कर्तव्य है, कौन कौन करता है, वचन सुना डेरी में लिखा डेरी में रहा खत्म, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बैठता। बैठ रहे हैं तो क्या चाहिए, वजन इधर सुन करके जाने के बाद में घर जाने के बाद में वापस पढ़ना, जो जो वजन दिया वो वजन पढ़ने के टाइम पर उसके बारे में जो जो बात बताया वो भी बात याद आएगा। इसके बाद में ध्यान करना, मैंने आज इतना सारा वजन सुना, ये वजन के द्वारा इतना मुझे मतलब निर्देश प्रभु का मिला, उस पर ध्यान करना। इसके बाद में ध्यान करते वक्त प्रभु ने उसमें और ज्यादा प्रकाश देगा, और भी ज्यादा प्रकाश देगा, वो प्रकाश की बातों को अपने जीवन में लाना। इतना नहीं करता, आपका वचन सुनना सिर्फ एक पटी होगी, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, आत्मिक उन्नति होना चाहिए ना, आत्मिक उन्नति। अभी अपन इतना प्रयास करके पौलुस बोलता है, पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 28-29 वचन, इसका प्रचार करते हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हर एक मनुष्य को हम सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे, क्या करके, मसीह में सिद्ध करके, मसीह में सिद्ध करके, सिद्ध करके। देखा वचन किस लिए दिया, सिद्ध करने के लिए, और हम आत्मिक बातों में इतना आत्मिक गहराई की बातें लोगों को सिखाता है सिद्ध होने के लिए, है प्रभु ने। और उसका जो निर्णय, इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में
सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। अभी ये देखो, अभी इसलिए परिश्रम करने वालों को थोड़ा दर्द होता ना, उसका फल नहीं दिखता, तो फल नहीं दिखता है तो बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। मंडली में मतलब अच्छा समझदार लोग बढ़ना ये बहुत जरूरी बात है। मुझे आज बहुत बड़ा खुशी हो, खुशी क्या है, मैं बहुत दिनों से बोलता है, हमारा भाई लोगों का दौड़ थोड़ा धीमा था, लेकिन आज अपने विपुल ने ऐसा काम किया, मेरा मैं अंदर ही अंदर रोया। मैं बोला इधर बड़े लोग आता है तो भी उनका दिल में अभी तक उनको समझ में नहीं आया, अभी तक हमारे बहन लोग करता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग प्रार्थना हो रहा है तो बाहर ही रुकता, आकर के उसमें शामिल नहीं होता। भैया मैं आपको बहुत दिल से बोलता हूँ ये बात, आप लोग ये जो जेलसी का मन रहेगा तो नहीं होगा, आप लोगों का प्रार्थना भूख प्यास उसके ऊपर प्रभु काम करता है ना। अनेक लोग मैं आपको बोलता हूँ प्रभु की वजन सामर्थ्य रीति में हमारे बीच में कार्य करना है तो प्रियो उसके पीछे प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना चाहिए प्रियो। अभी इधर प्रभु का कृपा है बहुत, जिससे समझाया तब से मेरा प्रिय बहन लोग काफी कुछ लोग बहुत उत्साह से वो प्रार्थना करते हैं, मेरे को बहुत आनंद है। पर आज मेरे दिल में बहुत ये हुआ, भाई लोगों में भी विपुल के दिल में ऐसा प्रभु ने प्रेरणा दिया, शायद बाकी लोगों को झटका भी लगा होगा, लेकिन मैंने देखा इसका मतलब प्रभु किसको समझाता, जो अपने आप को जो छोटा है। मैं आपको बताऊं भाई लोग, आप लोगों को बुरा नहीं मानना, आप लोगों को जो भी आता है, आप लोगों का एक कर्तव्य है, प्रभु आज भी आपका दास को आपकी महिमा के लिए समर्पण कर। मैं तो आपको बोलता हूँ प्रभु का अनुग्रह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इसलिए आप लोग प्रार्थना भी करेगा वो मुझे संदेश फैलाने के टाइम पर एक बहुत बड़ा एक विशेष सामर्थ्य मुझे मिलता। आप लोग थोड़ा अभी एक तो हम एंड टाइम में है, अभी क्या क्या हो रहा है आप लोग न्यूज वगैरह में देख रहे हैं ना, है वातावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है, और प्रभु के आगमन एकदम निकटता में। मैं आप सब बहुत लोगों को बोलता हूँ बहुत सावधान हो, एकदम बहुत एक मन होकर के उत्साही बनो, अच्छा आदर्श बनो, भी अच्छा आदर्श बनो। जो भी बात बताता है ये आप लोगों का भी जीवन में उन्नति के लिए बताता है, है? ये जिम्मेवारी समझना, तो प्रभु का धन्यवाद रहता है। तो हम लोग वही सर्विस मंडली के बारे में देख रहा था, बोलने के लिए जाता है तो बहुत बात है, तो भी ये जरूरतमंद बातें बताना पड़ता सबकी उन्नति के लिए। तो हम लोगों ने उसका तीसरा अध्याय का तीसरा वचन ध्यान कर रहा था, वापस एक बार तीसरा वचन पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। देखा क्या स्मरण करना, कैसा शिक्षा प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें मिला हुआ शिक्षा ना, वो शिक्षण कैसा है वो बात को याद रखना भी है, इसलिए हम लोगों ने याद रखना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग कुछ बात देख रहा था, मैंने आपको बताया स्मरण, स्मरण देखना, याद रखना बोलेगा तो स्मरण देखना है, दोनों एक ही ओके। तो मतलब बहुत बड़ी बात, मैंने आपको सात बातें बताया, स्मरण देखने वाला सात बातें बताया, मानव प्रभु में विश्वास करने के बाद में प्रभु ने हमें चलाया हुआ उस बात का बारे में स्मरण देखा, नंबर वन बात। दूसरा क्या बोला, मतलब मतलब प्रभु के लोगों में जो कष्ट सह रहा है उनको स्मरण देखना, हमारे बीच में भी कई लोग साधारण लोगों से बढ़ करके कष्ट में है उनको स्मरण देखना, और तीसरा मानव प्रभु में आने से पहले की अवस्था हमारा क्या, वो बात को मैं आपको बोलता हूँ, ये सब स्मरण करेगा तो अपना मतलब कितना एक समर्पित दिल के साथ प्रभु का भक्ति करेगा प्रभु। और चौथी बात हमने देखा लोध का भक्ति को, वो तो बहुत लोग स्मरण किया होगा, रोज भी करता होगा बहुत अच्छा नमूना है, है? ओके। और पांचवी बात प्रभु को
रखना, प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु को हमेशा स्मरण रखना। कितना बड़ी बात है प्रभु को स्मरण रखना। और चौथी बात है जो अगुवाओं को स्मरण रखना, जिन्होंने प्रभु में तुझे चलाया, उनका जीवन वो हमारे लिए कितना बड़ा एक आदर्श का है, ये बात को हमें स्मरण रखना। और सातवीं बात, अपने सृजनहार को ना भूलना। ये बात तक हम लोगों ने देखा, प्रभु को धन्यवाद देता है। आज 8, 9, 10 वो बात को भी देखेंगे। पड़ोसियों पर खाने वाले एक बात है, मतलब पड़ोसियों का पत्री 4 अध्याय उसकी 18 वचन बहुत ही सुंदर बात है। मसीह जीवन में हम कभी नहीं सोचता वो अनुभव आएगा प्रियो, तो बात को अभी पौलुस के जीवन में वो अपने अनुभव से बताता है। आप पढ़िए। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। देखिए प्रियो, अभी पौलुस यहाँ पर जंजीर से बांधा हुआ अनुभव में है, प्रतिग्रहों में पढ़ा है, वहां पर भी जंजीरों से बांधा हुआ अनुभव है। रुकदास ने कौन सा गुना किया है? उसने प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देने वालों को जंजीर मिलेगा, उसको आजादी में चलने नहीं देगा। मेरा जंजीरों को स्मरण रखना। आपको मालूम है जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर अग्रिप्पा राजा के सामने और उस कहने वाला एक बात डेढ़ दो उसका 26 अध्याय उसका 28-29 वचन पढ़ना। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़, इस बंधनों को छोड़ या इस जंजीर को छोड़, वे मेरे समान हो जाए। कितना बड़ी बात है, मेरे जैसा जंजीर के अनुभव किसी को ना आए, परंतु वो लोग आजाद होकर के प्रभु की सेवा कर पाए करके प्रभु का दास का दिल की गहरा चाहता। देखा प्रिय, कितना बड़ी बात है। उसका 24 वचन पढ़ रहा, जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो देखो उसने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। देखा, तू पागल है। देखो, तू पागल हो गया इसलिए तुझे जंजीर बांधा है। बोले का अर्थ क्या है, मतलब तुझे तेरे ज्ञान के अनुसार तुझे कितना अच्छा पदवी में दुनिया के इली में जीना चाहिए, परंतु तू कौन सा नाम लिया और इस कारण तू अभी पागल ही हो गया। देखा प्रियो, जरूर हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह में प्रभु के मार्ग में चलेंगे, ये दुनिया हमको नहीं समझेगा है, क्योंकि हम ये दुनिया के जैसा कभी व्यवहार नहीं कर सकता। तब ये दुनिया हमको बिल्कुल बोलेगा, ये लोग पागल लोग हैं। इतनी बार प्रभु का दासों को जब मार डालने के लिए ले जाने के टाइम पर वो लोग बोलता है कि तुम एक बार निरोग को प्रभु कह लो, अपने जान बचाओ। बोलता है नहीं, क्योंकि वो प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो बहुत हिम्मत के साथ वो गवाही देता। यूं फिर वो लोग क्या बोलता है, पागल है, क्योंकि दुनिया के लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में इतना भी प्रतिकूल आ रहे दो, लेकिन वहां पर हम उस सच्चाई के लिए हमें प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। इस पीढ़ी के लोगों को भी ऐसे ऐसे परीक्षा का बात आ सकता है, इसलिए अभी से एक अच्छा निर्णय के साथ है ना, रोज अपने आप को खाली करते जाओ, मसीह से भरते जाओ, उस स्वर्गीय बातों पर स्वर्गीय दर्शन में बैठते जाओ। इसलिए एक बात याद रखना, एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले लोगों को जेल मिल सकता, जंजीर मिल सकता, ताड़ना मिल सकता, ये प्रभु का वचन हमें बहुत सही तरीके में बताता। इस बात में सावधान रहना। ओके, नौवीं बात, मतलब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 8 वचन, यीशु मसीह को स्मरण रख। बस यीशु मसीह को स्मरण रख, यही तो सुसमाचार है। बहुत बड़ी बात है, सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को स्मरण रख,
प्रियो हमारे जीवन में आज लोग यीशु मसीह को स्मरण नहीं रहता, मसीह लोग तक मसीह को स्मरण कम रहता। लेकिन यह हमारा दावे हमारा पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार यीशु मसीह है। उस सूली पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह इन प्रेरितों के कामों में हम देखता है 5 अध्याय उसका 30 से 32 तक वचन। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। उन लोग कितना सत्य रीति में अभी देखिए प्रतिकूल इतना तगड़ा है बोलेगा तो बहुत भयंकर रीति में मसीह लोगों के खिलाफ में वहां पर योजना चल रहा है। लेकिन प्रेरित लोग आत्मा में भर करके उन पर पूरा दोष लगाते हुए तुम लोगों ने जो चढ़ाया सूली पर तुम लोगों ने जो मारा उसी को ही पिता ने मृतकों से जिलाया और सबका प्रभु ठहराया सबका उद्धारकर्ता ठहराया। कितना बड़ी बात है कितना अनमोल बात है। वो संदेश देने में हम लोग हमेशा हर संडे पुनरुत्थान के दिन में जब एकत्र होता है तो एक काम करता है क्या करता याद करता क्या याद करता याद होता ही नहीं है ना वो तो सिर्फ वजन में ऐसा लिखा है ना जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 25-26 वजन में देखा मेरी स्मरण के लिए क्या स्मरण करना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मुझको मृत्यु से बचाया। यीशु मसीह की मृत्यु मेरा मृत्यु का मृत्यु था। यदि प्रभु नहीं मरता तो मैं कभी नहीं बचता था। प्रियो एक वक्त को इसमें कितना आनंद होना चाहिए कितना खुशी होना चाहिए है ना ये बात स्मरण रखना। प्रियो यीशु मसीह मेरे लिए मर गया करके विश्वास करने वाले एक व्यक्ति फिर उसको अपने लिए जीने का हक है नहीं है प्रियो नहीं है। परंतु अभी भी बहुत से पवित्र लोगों ने बात को नहीं जाना अभी भी बहुत पवित्र लोगों ने बात को नहीं जाना उन्होंने ये विश्वास नहीं किया। इतना दुख भरा बात है कि यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मरा उसकी पवित्र लोग मेरे लिए बहाया इसलिए मैं अनंत काल के नरक की आग से मैं बच गया। प्रियो ऐसा है तो हमारे जीवन प्रभु के लिए किस प्रकार कितना उत्साह से जीने चाहिए और प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने पिछले दिन में भी दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 10 वचन आपको पढ़ाया था कि मसीह का जीवन हम पर प्रकट होना है तो हमें मसीह का मृत्यु को अपनी देह में ला लिए फिरना है। इसका मतलब क्या है प्रियो मसीह के लिए कुछ भी होने के लिए एक सच्चा समर्पण का जीवन। आज के दिन को देखो अभी हम इस शाम के वक्त में प्रभु का उपस्थिति में एकत्र हैं। आज दिन भर मसीह के लिए जीवन बिताया क्या प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हुआ है क्या ये बात को परखना। पौलुस कहता है मसीह को स्मरण रखो मसीह को स्मरण करके मसीह को जीना। मैं यही सोचता हूं फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय में वो बार बार कहता है मैं मसीह में पाया जाऊं क्या वो उधार नहीं पाया उधार पाया ना वो मसीह में है ना और मैं मसीह को पाऊं मैं मसीह को पाया जाऊं मसीह में पाया जाऊं और मसीह को पाऊं है और उसकी उस कष्ट संगड़ उस मृत्यु उस अवस्था में पहुंचाऊं। ओ ये है ओरिजिनल उलाट पाए लोगों का सही दर्शन प्रयोग। ये नहीं कष्ट संकट से भागो कोई मुसीबत आएगा तो बजाओ चिल्लाओ ऐसे ही क्या नहीं नहीं प्रियो हमारे जीवन में आने वाला एक कष्ट मुसीबत किस लिए आता हमें मसीह के रूप बनाने के लिए आता है। प्रभु का परमिशन बिना कुछ भी नहीं आएगा प्रियो कोई कभी भी हम लोग कहां पर है प्रभु का हाथ में है प्रभु के हाथ से कौन छीन सकता प्रभु के हाथ में रहने वालों को कौन सता सकता नहीं सता। लेकिन प्रभु का परमिशन ये भी है तभी हमें हमारे जीवन में कुछ बात होता है
और वो हमारे भलाई के लिए, क्योंकि हम उसके हाथ में बनाए जा रहे हैं प्रभु का इच्छा में, बहुत श्रेष्ठ बात है। इसलिए हमेशा हमें, मुझे इस रीति में बनाने वाला मेरा मसीहा, मेरे स्मरण में क्या रहना, मुझे इस सुंदर मतलब एक अच्छा प्रभु का भक्त बनने वाला या प्रभु का बेटा बनने वाला, एक पवित्र व्यक्ति कराने वाला अवस्था में मुझे लाने वाला मेरा मसीहा, वो कितना श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह को स्मरण करना, यीशु मसीह को स्मरण करते हुए सब काम करना फिर, है ना, बहुत बड़ी बात है। विश्वासी लोग ये बात को जानना चाहिए, उसको स्मरण करते हुए ना, है ना। एक बार मतलब कुछ बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, आपस में झगड़ता है तो वो कुछ कुछ अयोगिरी जी के शब्द बोलते हैं, तब वो एक बच्चा बोलता है, अरे रुकदास अंदर है, रुकदास अंदर है, बोला आप ऐसे बोलेगा फिर प्रभुदास सुनेगा फिर उधर जाएगा तो आपको क्या बोलेगा, पकड़ेगा ना, ऐसे मत बोलो। देखो बच्चे लोग अंदर है ना, कौन, यीशु मसीह, वो हम नहीं समझता, हम कई बात बोलता है तो आप नहीं समझता प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो बच्चे लोग समझता है प्रभुदास अंदर है, लेकिन बहुत विश्वासी लोग नहीं समझता प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मुझे सुनता है, प्रभु मुझे देखता है, वो कितना दुखदायी बात है भाई, है ना। हमेशा प्रभु को स्मरण करना। आखिर दसवीं बात जल्दी बोल करके आगे बढ़ सकता हूं, पहले इतिहास उसका 16 अध्याय का 13 वचन, लॉर्ड जीसस, पहला इतिहास 16 अध्याय का 13 वचन, 15 में उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। नहीं नहीं, मानव उसने किया हुआ अद्भुत काम और उन्होंने जो किया हुआ कहने के लिए अद्भुत चमत्कार उच्चार लेने में 12 उसके किए हुए आचरण करो, उसके चमत्कार स्मरण करो। देखा प्रियो, प्रभु ने सबसे बड़ा चमत्कार आज भी चमत्कार पाया कि नहीं, क्या चमत्कार, सुबह उड़ा हो चमत्कार, आप लोगों को बहुत बार बताता है तो आप लोग जल्दी भूल जाता है, हम सुबह उड़ा हो चमत्कार नहीं, चमत्कार है ना। हाँ एक दिन और मिला है, रोज हम चमत्कार अनुभव करता है कितनी प्रकार, है ना। तो उस प्रभु का इस चमत्कारों को हमें स्मरण करना और उसके मुंह से बताया हुआ उन उन विधियों को न्याय मतलब और उन्होंने किया हुआ चिन्हों को स्मरण करना। प्रियो हमारे जीवन में कितना कार्य प्रभु ने किया, प्रियो प्रभु का किया हुआ उन बातों को स्मरण करना। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने बताया, मैं एक बात बताता हूं, मतलब पुराना नियम में बताया हुआ बहुत से बात नए नियम की मंडली के लिए बहुत अर्थपूर्ण है, तो बहुत बार बहुत लोग बहुत बातों को लेकर के उसको अपना व्याख्या देते हुए मुझे सुनने में आता है तो बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि उसको ऐसा कोई अर्थ व्याख्या अपनी तरफ से लाता। अभी मतलब मरुस्थल में मुड़ाया हुआ सर्प, वो उसका सही अर्थ है, यीशु मसीह को दिखाता है किसको, क्योंकि तो नया नियम लिखा है, हम जो भी अर्थ बताता व्याख्या करता वो नया नियम में लिखा हुआ वजन के आधार में होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। ये जो वजन का व्याख्या वगैरह करने के टाइम पर बहुत लोग बहुत बातें इतना समझ करके नहीं बोलता, इसलिए वजन का टोटल बाइबल का एक सच्चा ज्ञान चाहिए, है ना। मिला वाले तंबू के बारे में बोलेगा तो हुक का एक अर्थ कौन सा अर्थ कहां पर बताया, मतलब जो वजन में नहीं बताया हुआ ऐसा कई बात आएगा। तो अभी पुराने नियम में मतलब इसराइल को छुड़ाया हुआ पसका का मेमना अर्थ है, हमारे लिए कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, पहले कुरिन्थी 5:7 में लिखा, पहले तो हाँ वो जो बात अभी पुराने नियम के लोगों का बहुत बातें हमारे लिए सख्त चेतावनी है ना। आज इस वजन को इस रीति में इतना डीपली क्यों सिखाता है प्रियो, विजयी होकर के
उस हजार साल के राज्य में नासिक मंडली का सब मिलना चाहिए करके बहुत गहरा इच्छा है, इसलिए बता रहा हूं। परंतु बहुत लोग लापरवाही कर रहा है। लापरवाही करने वालों के बारे में क्या बोले है? तो एक बात मैं आपको पूछू, अब ये तीन वर्ण में है, वो शब्द हमने लिया नहीं। मतलब तुमने जो प्राप्त किया और वो स्मरण करना आगे सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा, मन फिरा। देखा क्या करना, मन फिरा। आज आपको मैं बताता हूं, बहुत लोगों को ये शब्द सुनना ही पसंद नहीं, क्योंकि लोगों को क्या लगता, अरे हम मन फिरा ना, मन फिर करके तो हमारा नया जन्म हुआ ना, हमारे उदार हुआ ना, उदार पाए लोगों को मन फिरावट चाहिए, चाहिए ना, चाहिए ना, है ना। यहां पर हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना पियो है। प्रभु का वचन में हमें मन फिरा, अभी आपको मालूम है, मतलब ये दूत प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को जो पहले जो बताया सब, मतलब हर एक लोगों को जाकर क्या बोलना है, लूका के सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 46-47। और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मन फिराव का और पाप क्षमा किसके नाम पर है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। प्रियो बहुत बड़ी बात है, आज मन फिरावट के बारे में लोग सुनते हैं लेकिन लोग मन फिरते नहीं, है ना। मन फिरावट कितना जरूरी बात है। वास्तव में मैं आपको बोलता हूं, अभी नए नए लोग उदार पाना अभी बहुत मुश्किल की बात है, कोई और रह गया है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी प्रभु देरी करने का एक मेन कारण प्रियो वो उदार पाए हुआ हमारे लिए, है ना। दूसरा पत्रों तीसरा अध्याय उसका 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रहता है। तुम्हारे विषय में, किसके विषय में? हाँ, जो उदार नहीं पाया हुआ लोगों के बारे में नहीं, उदार पाया हुआ तुम्हारे विषय में। देखा है? प्रभु उदार पाया हुआ हमारे लिए अभी भी अब समय दे रहा है, हमें बराबर मन फिर करके पूर्ण रूप में मैं मसीह के पीछे चलता हूं करके यकीन करें। हैं? उधार पाए हुए लोगों को कई लोग नहीं समझता, उधार पाए हुए लोगों को भी मन फिराने की जरूरत है ना। कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस क्या बोलता, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 21 वचन, ऐसा ना हो मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबा डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। देखा, मुझे बहुतों के लिए मुझे और शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। देखा, प्रभु के लोगों को ये बात से पौलुस डर रहा है, अभी डर रहा है। हम कितनी बातों में उनका वजन के द्वारा चेतावनी पाता है लेकिन हमारे में मन फिरावट है क्या? कई लोग कितना भी हमें बहुत बातों में मन करना, अभी मैं आपको बोलता हूँ नासिक मंडली में अधिकतर लोग हरेक संगति अटेंड कर सकता है और बिफोर टाइम आ सकता है, लेकिन कुछ लोग कितना भी समझाएगा तो उनको मन फिरावट नहीं है। क्लियर बात है, कई लोगों को मन फिरावट बिल्कुल नहीं है, हटीला स्वभाव में चलता है। तो एक बात है कि ये सब प्रभु अभी अवसर दे रहा है, इसको बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये सब आनंद काल की तैयारी की बातें है। अभी आपको जो भी समझा रहा है ना, देखो कितनी बार कितने लोगों ने मतलब संगति होने पर भी बाहर घूमते रहता, देखो उनको उनको मन फिरने की जरूरत है, बोलो है, बहुत जबरदस्ती जरूरत है ना प्रियो, संगति का भूख प्यास नहीं, कितना दुख भरा बात है प्रियो। एक संगति के लिए लोगों को कितना तड़प चाहिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए कितना तड़प चाहिए, प्रभु मुझे देखता है उनको वो भी नहीं देखता है प्रियो। ऐसा लोगों को प्रभु अपने साथ राज में लेगा? विश्वासी
विश्वास का अर्थ सही प्रकार जानना। विश्वासी का एक अर्थ विश्वासी योग्य है, विश्वासी का एक अर्थ मतलब प्रभु प्रभु की शरणागत है। विश्वास का बहुत गहरा गहरा अर्थ है प्रियो, अगर हम उसको सही प्रकार जान करके जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक लोग अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया और आप अपनी स्त्री में मनमानी में जीता है, आपका दिल गवाही नहीं देता, देता ना प्रियो, पक्का मैं जो करता है सही नहीं करता है करके गवाही होने पर भी वो मन फिरने के लिए तैयार नहीं, मैं पछतावा नहीं, वो उसी पाप में जाकर सो जाता, इतना कठिन बात है। ऐसा लोग उस दिन न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा क्या होगा है? बड़ा मुश्किल से जलते जलते वहां पर क्या लिखा, हाँ हाँ बच जाएगा, मानो मुश्किल से पार हो जाएगा, परंतु उनको उस राज्य में मतलब मौका नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आपको बताता हूं, आप इसको मतलब हमारा भविष्य के लिए सबसे बड़ा एक तोहफा हजार साल का राज है, ये बात बिल्कुल आप लोग भूलना नहीं है। और वो राज में जो है वो आनंद काल में भी राज रहेगा और वो श्रेष्ठ बात रहेगा, वो तो इसलिए अभी से उसकी पूर्ण तैयारी के साथ चलो। हर एक दिन हमें मनप्रावट का अनुभव चाहिए। और इसलिए उर्दू मंडली के बारे में डरा है ना, अभी आपको मालूम है हम लोग प्रकाश वाक्य की किताब पढ़ने के टाइम पर मतलब दो मंडली छोड़ करके पांचों मंडली को प्रभु आह्वान करता है मन प्रावट के लिए, पांचों मंडली को। अभी हमने मतलब पांचों मंडली के बारे में अभी देख रहा है, उसमें हमने चारों मंडली को देखा मन प्रावट का आदेश दिया था है ना, दो का पांच इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, और मन फिरा। देखा मंडली को प्रभु सत्य चेतावनी देता है मन फिरा, तो मालूम है मन नहीं फिरा, एफेसस मंडली मन नहीं फिरा तो क्या हुआ प्रभु ने, हाँ हाँ पढ़ लो पढ़ लो, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूँ। देखा दीवट को मंडली को ही हटा दिया, ऐसा चरित्र बताता है, चरित्र बताता है एफेसस मंडली खत्म हो गया, एफेसस मंडली खत्म हो गया। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको याद रहना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में हम कितना अधिक प्रभु से लिपटा रहना चाहिए है ना। इसके बाद में प्रथमोस मंडली को बताया था 16 बजे नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। ओह मतलब इसका मतलब क्या है कि मन ना फिरने वालों के साथ प्रभु व्यवहार करेगा। आज बहुत लोग अपनी मनमानी में जीते हुए प्रभु के मनप्रावट की आलोचना को ठालने के कारण प्रभु उनके साथ व्यवहार कर रहा है, परंतु उनको मालूम नहीं प्रभु मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, और उनको लगता है कि ये कुछ अचानक कुछ बात बिज रहा है। नहीं है ना प्रियो, मन फिरना टाइम पर प्रियो, मन फिरावट का जरूरत है प्रियो। इस भजन संदेश सुनने के टाइम पर कितने लोग अपने जीवन में मन फिर करके कितना समय हो गया, क्या आपके जीवन में कोई गलती नहीं आया? आप ज्योति के निकट ना आने के कारण आपको अपना गलती शायद दिखा नहीं होगा, क्योंकि आप वजन पढ़ना ही छोड़ दिया, संगति में आना ही छोड़ दिया, फिर आपको भाव का ज्ञान कहां से आएगा है ना। इतना भयंकर बात है प्रियो, पिछले दिनों में कई बार मन फिरावट का ही संदेश एक भाई मुझे बताया, आप मन फिरावट के बारे में बताए, मैंने 3-4 बार मतलब दिन मन फिरावट के बारे में बताया, वो मन फिर गया मंडली छोड़ के गया। अभी आता नहीं, कौन है नाम नहीं बताएगा, आप लोग ध्यान देता तभी तो मालूम पड़ेगा कौन गया। मन फिरावट का संदेश सुनने के बाद में मन फिरने के लिए तैयार नहीं इसलिए गया, हाँ ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे त्वेतरा मंडली को प्रभु ने बताया उसका 21-22 मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखा मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, देखा प्रियो प्रभु मन फिराने के लिए हमें अवसर देता है। आज ये जो भजन सुनता है प्रियो, अपनी पाप के मार्ग से मन फिरना, प्रभु की ओर मुड़ना,
एक सच्चा मन फिरावट के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में भी था, यीशु मसीह का पहला संदेश मन फिरावट था। बपतिस्मा देने वाला योहन्ना का पहला संदेश मन फिरावट था। और एक बार जब लूका 5:32 में प्रभु कहता है, लूका 5:32, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। देखा, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। हाँ भैया, आज भी प्रभु हमारे बीच में वही बात कर रहा है, मन फिरो, सही रीति में प्रस्ताव के साथ मन फिरना पे। और वही बात अभी हमने यहाँ पर साथी इस मंडली के बारे में 30 दिन में पढ़ा। क्या पढ़ा और एक और पढ़ेंगे? देखो प्रभु की कैसा आपको वजन मिला, उस वजन मिलने के बाद में उस वजन के अनुसार आप मन फिराए कि नहीं। आगे और सुनी थी और उसमें बना रहो और मन फिरा, यदि तू जागृत न रहेगा। हाँ, यदि तू जागृत नहीं रहेगा। देखा, बहुत लोग बिल्कुल सोया हुआ अवस्था है, सिर्फ वजन के सामने आकर बैठा है, लेकिन उनको इधर ही नहीं है, उनका दिल यहाँ पर नहीं, मन यहाँ पर नहीं। ये वजन को नम्र दिल से स्वीकारता नहीं, मन फिरता भी नहीं। देखा सर्दी इस मंडली को भी प्रभु बोलता है मन फिरो। आखिर में लवोदी के मंडली को प्रभु बोलता है, उसका तीसरा अध्याय 19 वचन, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, इसलिए सत्कर्म हो और मन फिराओ। बहुत बड़ी बात है मन फिरने के लिए। प्रभु सातों मंडली में पांचों मंडली को आह्वान करता है ना? क्या है मन फिरने का अर्थ है? मन फिरने का अर्थ क्या है? सही रीति में जानना चाहिए, नहीं तो फिर सही रीति में मन फिरावट भी नहीं होगा, है ना? जब प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय 19 मन फिराओ और लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए। मतलब मन फिराओ और लौट आओ, इसको मानो 180 डिग्री मुड़ना है, पीछे मुड़े। कई लोग क्या करता, मन फिरता है पर जो मानो 90 डिग्री, कोई 30 डिग्री, वो मन फिरावट है नहीं, एकदम 180 डिग्री अपनी मनमानी के मार्ग छोड़कर प्रभु के मार्ग को अपना करके उस जीवन के मार्ग में चलना है मन फिरावट। देखा ना, उसका 14:15 लोगों, तुम क्या करते हो? हाँ, हम भी तो तुम्हारे समान दुखी भोगी मनुष्य हैं। देखिए यहाँ पर संभव आपको मालूम है, यहाँ पर बरनबास और शमल को वो लोग आकर के पूजा करने जा रहे हैं। दुनिया के लोग अवस्था ऐसा है, तब पौलुस उनको बोलता है, हम लोग तुम्हारे समान मनुष्य है, हमारा नहीं करना। फिर इन व्यर्थ वस्तुओं से, इन व्यर्थ कामों से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। प्रियो, आज भी हम पूर्ण रूप में जीवित प्रभु की ओर मुड़ा है क्या? उस प्रभु की ओर देख करके हमारे जीवन की यात्रा है क्या? ये बात को परखना प्रियो। मन फिरावट का अर्थ एकदम प्रभु को सामने रखते हुए चलना, हर बात में प्रभु की मतलब चेहरे की ओर देख करके चलना, प्रभु आनंद देखने, ये बात को मालूम करके उसी मतलब प्रेरित हो। उसका 15:19 इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दे। देखा, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरा है उनको यहूदियों की नियमावलियों में ना ले जाए। वो बोलने का अर्थ वो है, आप लोगों को बात समझता है ना, उनको ज्यादा ऐसा कुछ उन पर जुआ ना लगाए। बहुत बड़ी बात, प्रभु का योजना उनको समझा करके प्रभु पर विश्वास करना काफी है, बाकी व्यवस्थाओं की अधीन में लेकर जाएगा तो उन लोगों के लिए, यहूदियों से नहीं हुआ तो फिर उनसे कैसे होगा, यदि कि लोगों से कभी नहीं होगा, है ना? ये बात बताता है उसका 20:21
यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। देखा, परमेश्वर की ओर मन फिरना, हमारे जीवन की यात्रा, अपनी मनमानी की यात्रा को खत्म करके प्रभु की ओर मुड़ना, कितना बड़ी बात है। और एक शब्द पढ़ना, उसका 26:20 हृदयों का में बार बार कहने वाले शब्द है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराओ का योग्य काम भी करना, मन फिराओ व्यक्ति में क्या रहेगा? मन फिराओ का काम होगा। आज बहुत लोगों में वो काम नहीं दिखता, सही प्रकार का एक मन फिराओ नहीं दिखता। प्रियो, ये मन फिरने का मतलब शब्द या मन फिरने का जो बात, वो कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जब प्रेरितों का 17:30 में वहां पर पौलुस कहता है, समय पर ध्यान नहीं दिया पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या देता? आज्ञा देता है, प्रभु का आज्ञा है। प्रियो, इसके मतलब जो व्यक्ति मन नहीं फिरता प्रभु की आज्ञा को तोड़ता है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा, उसका मन कठोर हो जाएगा, वो प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा। प्रियो, मन फिरना, अपनी भावों से मन फिरना, अपनी गलत मार्गों से मन फिरना, नहीं मन फिरेगा तो आपको मालूम है, जब लूका का 3:13 में 13 में बार बार उड़ाकर कहने वाले एक शब्द है ना, उसका 13:3-5 मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखा, वहां पर संभव भी बजा करके यीशु मसीह बताता है। प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में वो वचन हमारा दिल को छू लेता है, हमारा भाव का बात है वो हमें याद दिलाता है, जरूर तुरंत हमें अपनी गलती कबूल करके मन फिरना चाहिए, पछताव करना चाहिए। आपको मालूम है बाइबल का सबसे बड़ा एक मन फिरावट का कार्य हुआ, सबसे बड़ा एक मन फिरावट, ऐसा एक मन फिरावट बाइबल के चरित्र में नहीं। कौन सा मन फिरावट है? निनवे के लोगों का। देखा, कुछ लोगों को याद है। प्रियो, निनवे के लोगों का मन फिरावट, अकुमार में ऐसा एक मन फिरावट दुनिया का या बाइबल चरित्र में नहीं हुआ, दुनिया के चरित्र में नहीं हुआ। कैसा मन फिरावट था? हाँ, देखिए क्या वो मन फिरावट हरेक पवित्र लोग सीखना चाहिए। प्रभु के वजन आया, योना के द्वारा जब वजन आया, वो वजन सुना हुआ निर्वे के देश राजा से लेकर प्रजा तक नहीं, जानवर तक है ना। जब योना 3:8-10 पढ़ना, मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े। देखा, मनुष्य और पशु, आप देखो और कहां पर हम ये बात को देख सकता, कहीं नहीं देख सकता, लेकिन मनुष्य और पशु भी टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। देखा, चिल्ला चिल्ला करके प्रभु हम पर रहम कर, दया कर, चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके, दिल टूट करके, रिक्त भर करके, बड़ी दुख प्रकट करके, ओ इस शरीर में उन लोगों ने अपना भाव से मन फिरा। तब उसका दस वचन, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हाँ, परमेश्वर ने उसकी रोने की आवाज नहीं देखा, परमेश्वर ने उनका कामों को देखा। मन फिरा हुआ व्यक्ति का जीवन में कामों में वो बात प्रकट होता। देखा, आज बहुत लोग बोलता है मैं मन फिरा है, मैं उधार पाया है, लेकिन जीवन जैसे था वैसा, क्या फायदा? पियो, रोज मन फिरना, पियो रोज हमारे में दुनिया दुनियादारी, अपना पुराना कोई भी बात है तो वो सारे बात से बिच कर चलना, पियो ये बिना मन फिरावट का हो ही नहीं सकता। इसके लिए हर पवित्र लोग अपने जीवन को परखना, पियो है ना, मैं वास्तव में कितना दिन से मन नहीं फिरा। आप एक दिन भी मन फिरने में देरी करता है तो मतलब ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके जीवन से गलती नहीं होता। नीति वचन में ऐसे एक सवाल है, नीति वचन 20:9 आपको याद है, क्या बोलता हूँ? कौन कह सकता
कौन कर सकता है? मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, पवित्र किया, मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। कौन कर सकता है बताओ, इधर बैठा कौन ऐसा कर सकता? आज के दिन में मेरी मन बोली में, चाल चलन में, मेरी दृष्टि में, मेरी इच्छा में, मैंने प्रभु की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ऐसे कोई कर सकता? अरे तुम्हारे पास वो मोबाइल है तो मोबाइल में तुमने क्या क्या किया? स्वर्ग देखा कि नहीं? ए, फिर भी हम क्या बोलता? मैं बहुत पवित्र जीवन बिताया। प्रभु की आत्मा आपको नहीं बताता, प्रभु की आत्मा आपको चेतावनी नहीं दिया, यूं परखना, इसको हल्का ना जानना। भी हमारा आत्मीय जीवन को कैसे भी नष्ट करने के लिए विरोधी आपको जहां जहां भी डुबा सकता है वो डुबाते रहेगा। बहुत भयंकर बात है। बहुत आज का न्यूज में आया एक बच्चा, वो मोबाइल देखते देखते उसके अंदर आया, वो कुछ एक्शन देख करके वो मर गया बच्चा। आज के न्यूज में मोबाइल में क्या क्या आता होगा, अभी क्या मालूम, देखने वाले को मालूम। कुछ ऐसे बात आया, वो बच्चे को शोक लग गया, मर गया। मोबाइल ज्यादा देखने वाला सावधान रहना, नहीं तो चिल्लाएगा, आखिर एक दिन खत्म हो जाएगा, दुष्ट आत्मा देख जाएगा। भियो धोखा में मत पड़ो, मैं बार बार ये बात बताता हूं लेकिन लोग उसका सीरियसनेस नहीं समझता। अच्छा काम के लिए नहीं, गलत काम के लिए वो लोग उसको इस्तेमाल करता। प्रयोग बहुत गहरा रीति में ऐसे लोगों को मन करने की जरूरत है। तो प्रभु का वचन कहता है मन फिरो, मन नहीं फिरेगा तो क्या होगा? उसका तीन का नौ वचन थोड़ा पढ़ने से नहीं। अभी योहना का पढ़ा है ना, तीसरा अध्याय का, योहना उसका तीसरा अध्याय का नौ वचन थोड़ा पढ़ा, मैंने दस पढ़ाया था आपको, नौ वचन संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हाँ, क्यों मन फिरना? नष्ट होने से बचने के लिए, परमेश्वर के क्रोध में ना पड़ने के लिए। समझ में आया? क्यों प्रभु समय देता, प्रभु भक्त देता, प्रभु मन फिरने के लिए बहुत प्रोत्साहन भी देता, लेकिन कभी भी हम लोग अनसुड़ी करके बैठ करके उन वजनों पर ध्यान भी नहीं देगा, अपने हृदय को कठोर करेगा। प्रियो मन करने का जरूरत समझो है, आप नाश ना होने के लिए, परमेश्वर के क्रोध आपके जीवन से दूर होने के लिए मन फिरना जरूरी बात है। मन फिरना जरूरी बात है, अगर हम नहीं मन फिरेगा तो क्या होगा? यरमिया उसका 18 अध्याय का 8 वचन बहुत खतरनाक बात है। प्रियो यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मेरी यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। पछताएगा, देखा, मन फिरेगा तो बच जाएगा। आज जरूर आप लोग घर में जाने के बाद एक टूटा हुआ दिल के साथ एक बूंद आंसू ना बहाते हुए बिस्तर पर नहीं जाना, क्या समझा? क्योंकि बहुत दिनों से अपने जीवन को परखा नहीं है ना, मैं कितने प्रकार प्रभु का दिल को दुखाया, मैं मेरी मनमानी में जी करके प्रभु को कितने समय में मैंने दुख दिया। अभी कई लोगों को कितना भी गलती भी करेगा तो उनको असर नहीं होता, क्योंकि पाप करते 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 मन कठोर हो गया। प्रभु में आने के बाद जो सच्चा उद्धार पाए एक व्यक्ति को एक छोटा गलती भी होता है तो उसको भारी लगता और वो रोता है, परंतु अगर वो छोटा समझ करके छोड़ देता, वो मन नहीं भरता, तो धीरे धीरे क्या होता? उसका मन कठोर हो जाता। सच्ची बात है प्रिय, ऐसे कई लोग धोखा में, आज मुझे सुनने वालों में कई लोग इस रीति में छोटा समझ करके अब को बहुत तुच्छ समझ करके बहुत दिनों से मन नहीं फिरा, बहुत दिनों से आंसू नहीं बहाया, बहुत दिनों से प्रभु का वाणी नहीं सुना, तालमेल कैसा है परखा नहीं। परखो भी, परखो, आज प्रभु अवसर दे रहा है।
एक व्यक्ति मन फिरता है तो वो दिन प्रतिदिन और भी नम्र और धीर होगा। आपको मालूम है जब आराम राजा के किनारे में जब संदेश आया, संदेश सुनने के टाइम पर बाप रे आराम राजा डर गया। आराम राजा इसराइल में इतना बहुत बड़ा बुरे काम कर किया, क्योंकि उसकी पत्नी इसबेल उसको उतना बहकाता था। लेकिन जब एलिया के द्वारा जो वाणी आया वो वाणी के सामने आराम नम्र हुआ ना। एक वचन आप पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जब पहला राजा 21 अध्याय उसका 27 से 29। एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पाँव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबे एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। उसकी जीते उसके जीवन में नहीं आया। आहाब बच गया, आपके ऊपर प्रभु का धारणा नहीं आया, क्योंकि उसने प्रभु का वाणी के सामने अपने आप को नम्र किया। कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है। इतना बड़ा पाप में गिरने पर भी वो नम्र बना, वो मन फिरा, प्रभु ने उस पर भेजेगा बोला हुआ धारणा नहीं भेजा, प्रभु ने उसको बचा लिया, प्रभु ने उसको बचा लिया। देखो आज अभी इस वक्त में कई लोग मन फिरने की कोशिश भी करता है तो दिल टूटता नहीं, क्योंकि दिल का इतना कठोर हो गया, किलोमीटर बहुत दूर है वो प्रभु से। धक्का पलट में ऐसा लोगों का अवस्था क्या रहेगा भाई? हमें ये बात को जानना, आज प्रभु की उपस्थिति में आप बैठने के टाइम पर प्रभु हमारे बीच में होते हुए प्रभु की आत्मा ये वचन सुनने के टाइम पर सबके दिल से वाद-विवाद कर रहे हैं, पर जो कई लोगों का दिल से प्रभु की आत्मा वाद-विवाद नहीं कर पा रहा, क्योंकि वाद-विवाद करते करते पवित्र आत्मा भी शोकित होकर चला गया। ऐसा अवस्था में आया वो लोग यहां पर बैठा है। आप सुनना, मेरे जीवन में मैंने प्रभु का इच्छा जानने के बाद पिछले दिनों में मैं बहुत विस्तार से वो बात आपको बताया, यही मंडली की बात पर, सर्दीस मंडली की बात पर, निद्रा का अर्थ है ना प्रियो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। आज प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आप पर है, इसलिए प्रभु मौका दे रहे हैं। ये वचन सुनने के टाइम पर एक अच्छा दिल में निर्णय लेना और घर में जाकर के गुड्डा टेकना, क्योंकि एक व्यक्ति मन फिरना ये उस व्यक्ति की सामर्थ्य की बात नहीं। आपको मालूम है सच में प्रभु का जो हमें प्रभु के खिलाफ जो भी किया वो पाप को याद तक हमें दिलाने वाला पवित्र आत्मा है ना। जब योगने का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 8 से 11 बजे पढ़ना, संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये इतना क्लियर बात है, एक पापी को प्रभु का वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा उनकी असली अवस्था बदलता है, दिखाता है, तुरंत वो उधरी गिर पड़ता। ये सिर्फ एक पापी के लिए नहीं, उदार पाया हुआ लोगों के लिए भी है। जब वजन आएगा तो उनको एकदम पछतावा होता है। मैंने ये जीवन में मैंने अनुभव किया भी। आज से जो 30 साल पहले जब भी मैं प्रचार करता था उस समय में मैंने ये देखा, लोग वजन सुनते सुनते उधर खड़ा होते थे, रोते थे। इवन नासिक में भी 25 साल पहले शुरुआत में कैसे था, लोग खड़े होकर रोते थे। मैं ये बोलता हूं मनमाड़ में लोग खड़े होकर के रोते थे, रो रो करके कबूल करते थे। एक बार वापी में गया गुजरात, वहां पर वजन सुनने के लिए लोग इतना गिर करके रोने लगा। अभी वो बात अभी एक स्वप्न देखा जैसे हो गया आजकल, क्योंकि आजकल कोई इतना भी आत्मा में इतना गहरा संदेश भी देगा तो भी लोग पत्थर जैसा बैठता, किसी को भी थोड़ा मतलब मन भराव नहीं हो।
मन फिराओगे नहीं। मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, आज का दिन हमारे लिए एक चमत्कार है। एक व्यक्ति मन फिरने का अर्थ अभी तक प्रभु का दया उस पर बना रहता है, उसका चिन्ह है, क्योंकि रोमियो 2:4 में क्या बोलता, परमेश्वर की दया तुझे मन फिराओगे सिखलाता है। इसका मतलब अभी भी प्रभु की दया दृष्टि अगर आपके ऊपर है तभी आप मन फिर सकता, तभी आपका मन फिरावट होगा। ये हल्की बात नहीं। एक पापी वजन सुनने के टाइम पर कितने लोग ऐसे सुनता है ना, जो उधार नहीं पाया हुआ कितने लोग बैठा है, परंतु उनके जीवन में ये वजन कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोग उस आवेश में नहीं आया। परंतु प्रेरित पत्रों वहां पर बोले एक शब्द, प्रेरितों काम 11:18 वजन में, थोड़ा देखिए आप, प्रेरितों काम 11:18 वजन, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन, जीवन के लिए जीवन प्राप्त करने के लिए मन भरावट दान दिया, मन भरावट दान दिया। देखा, एक व्यक्ति को प्रभु जब तक मन भरावट नहीं देता वो जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, और जीवन पाया वो लोग यदि मन नहीं भरेगा तो वो उस जीवन से वो मृतक अवस्था में पहुंच जाएगा, जैसे सर्दी स्पंदनी की अवस्था है। कितना भारी बात है ना। तो प्रभु का वचन जो हमें आता है, जो दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ो, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 25 वचन, देखा उनको मन भरा उनका मन दे, बहुत बड़ी बात। आज ये संदेश सुनने के समय आपको लगता है नहीं, मैं भी प्रभु के खिलाफ पाप किया है, मैंने बहुत से प्रभु का सत्य वचन से दूर होकर के मैं अपने मनमानी में जीकर प्रभु को दुख दिया। भियो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप बैठा है तो आपको कुछ और कुछ कहने की जरूरत नहीं, आत्मा आपके साथ व्यवहार करता है तो आप, आपको मन में सकाई सकाई तू आदर संबंधि कंगालों को बात बोला नहीं बोला, लेकिन प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति उसको मन फरावट दिया। वो बोलता है प्रभु मैं आदर संबंधि कंगालों को बात, इतने नहीं इसे भी मैंने लूटा वो 4 गुना लौटाता हूं। देखा देखा है, प्रभु की उपस्थिति में है। अभी भी हम अपने जीवन में अपनी गलती कबूल करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए और प्रभु का दिल को आनंदित करने के लिए हमारे दिल में आत्मा में प्रेरणा हो रहा है, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत गलती की बात है अपने जीवन में। आखिर में यही बात एक पूछता हूं, सच में सोचो आपने मन फिर करके कितना टाइम हो गया, आपने मन फिर करके कितना टाइम हो गया है। हमें रोज मन फिरने की जरूरत है, रोज हम प्रभु की पूर्ण इच्छा से कितनी दूर जाता है, कितनी बातों में प्रभु की इच्छा ना जानने के बावजूद भी हम मतलब मसल पकड़ कर कर लेता, फिर भी हमको क्या नहीं, हमको पछतावा नहीं है, मैंने गलती किया ऐसे आश्वास नहीं, क्या मा तो क्या हो गया, उनका पाप के जल में मन कठोर हो गया, मन कठोर हो गया। जब मन कठोर हो गया तो वो जीवन से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इफिसियों 4:18 इब्रानियों उसका 3:13 ये सब हमको बताता है, पाप के जल में इंसान का हृदय कठोर होकर वो जीवन से दूर भाग जाता, कितना भयानक अवस्था है। अपने आप को परखो, कोई भी प्रकार प्रियोम सर्देश पंडली वामर जरूर इन बातों को समझने वाले एक छोटा झुंड था, वो अपन कल देखेंगे, लेकिन हम उस छोटा झुंड में है क्या, वो समझने वालों में है क्या, प्रभु के दिल को रोज आनंद करके चलने वालों में है क्या, ये बात को हमें पारेगा। तो प्रभु आज भी हमें बताता है मन फिर, प्रभु ने हमें हमारे लिए किया हुआ बातों को हम याद करना
साथ ही साथ हमने प्रभु के खिलाफ में जो भी कार्य हुआ उसे पूरा दिल से मन फिरना, एक सच्चा मन फिरावट के साथ आप राजा जब मन फिरा तो प्रभु ने कामों में देखा। फिर नेरिया को बोला तुम जा करके उसको बताओ। जब नेरिया निवासी लोग मन फिरा, प्रभु ने कामों में देखा, प्रभु ने उन पर वो विपत्ति नहीं लाया। प्रियो, कई लोग कई प्रकार कई विपत्ति में भी पड़ने वाला है, उसे भी बचना है तो क्या करना, मन फिरना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। एक सच्चा मन फिरावट के साथ यदि आज प्रभु नहीं आए तो कल लेगा तो धोने में प्रभु सबको, कई लोग मन फिरेगा तो कल आएगा ही नहीं, वो एक मन फिरावट है। ऐसा मन फिरावट है क्या, वो ये मन फिरावट, अरे जान देने के लिए तैयार। अभी अपने को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मेरे बोलता ना कई लोगों को वचन सुनते सुनते उनका मन फिरावट क्या है, चलो यार ऐसे बात सुनने के लिए जाने के है? देखा उसको मन फिरावट बोलता नहीं, बोलता है वो शैतान का फायदा उठाता। तो प्रियो हम प्रभु के अधीन हो जाना, संपूर्ण निधि में प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपना, मसीह को जीना, यीशु मसीह हमारे में दिखना। आप सबको इन वचनों की आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।